तो बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आज पटना में आरजेडी की बड़ी बैठक होने वाली है। तो आज पटना में आरजेडी की बड़ी बैठक होगी, दोपहर 1 बजे आरजेडी विधायकों की बैठक होने वाली है। तो बैठक में आरजेडी के सभी नेता शामिल होंगे और बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चाएं भी की जाएंगी। यानी कि ये जो दूरी है अब धरातल पर दिखने लगी है। हालांकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक घटना सामने आ रही है, उससे साफ नजर आ रहा है कि गठबंधन जल्द ही टूट सकता है। तो वही अब एक के बाद एक पार्टी अपने विधायक दल की बैठक कर रही है, आगे की रणनीतियां तैयार कर रही है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, सभी के सभी अपने विधायक को बुला रहे और बैठक कर रहे हैं कि आगे की अब रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चाएं की जाएंगी। तो आज पटना में आरजेडी की बड़ी बैठक बताई जा रही है, दोपहर 1 बजे आरजेडी विधायकों की ये बैठक होगी। और बैठक में आरजेडी के सभी नेताओं को बुलाया गया है, सभी नेताओं को हाजिर रहने को कहा गया है और बिहार की राजनीति घटनाक्रम पर चर्चा रहने वाली है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, बिहार की उठापटक के बीच जो है मीटिंग का दौर भी जारी है। जी बिल्कुल बबीता, देखिए जिस तरह की अटकलेबाजी लगाई जा रही है और जिस तरह का सियासी मौसम लगातार बिहार के अंदर बदल रहा है, जो सियासी तापमान है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ना सिर्फ जेडीयू बल्कि कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी जितने भी राजनीतिक संगठन बिहार के अंदर है, सभी आज अपने अपने विधायकों के साथ, अपने नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। वहीं यदि इंडी अलायंस के घटक दलों की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से कल भी ये कहा गया था कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो किधर हैं। इसमें आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, कहा यह जा रहा है कि उनकी तरफ से भी कई बार फोन नीतीश कुमार को किया गया, लेकिन कोई जवाब उधर से नहीं आया है। तो ये सारा घटनाक्रम है। कल ही शाम होते होते जो आईएएस अधिकारी हैं, बड़े लेवल पर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। तो ये सभी जो हालात हैं ये बता रहे हैं कि जो इंडी अलायंस है या आरजेडी जेडीयू के अंदर बहुत कुछ सही नहीं है, कुछ भी परिवर्तन कभी भी संभव है। और जो दरार कहा जा रहा था कि जेडीयू और आरजेडी के बीच में दरार है, वो दरार अब कहीं ना कहीं खाई में परिवर्तित हो गई। नागेंद्र, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि फोन किए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से, तो वहीं नीतीश कुमार उनका फोन भी इग्नोर कर रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर ये भी आ गई है कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर, तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने अनफॉलो भी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो कयास थे अब वो सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि अभी ना सिर्फ जेडीयू की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, ना आरजेडी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो परिस्थिति बनती हुई दिख रही है, वो अपने आप बोल रही है। जो नेता एक दूसरे के हमेशा साथ रहते थे, हर छोटे से बड़े कार्यक्रम में एक साथ दिखाई देते थे, अब उनमें दूरियां दिखाई दे रही हैं। कल जिस तरह से राज्यपाल ने हाईटी के लिए बुलाया था सभी नेताओं को, लेकिन ना आरजेडी का कोई एमएलए गया और ना खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वहां गए। तो ये जो सारा घटनाक्रम है, ये अपने आप जो 4 दिन पहले धुंधली तस्वीर थी, वो धीरे 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 साफ होती हुई नजर आ रही है। और सूत्रों का तो ये भी कहना है कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं फिर से, और जो अभी पाला है वो कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन लेकिन नागेंद्र, जिस तरह से नीतीश कुमार पाला जो है जल्दी जल्दी बदल लेते हैं, क्या बीजेपी फिर से उन पर भरोसा जता पाएगी एक बार फिर से? देखिए बबीता, राजनीति में भरोसे की राजनीति नहीं होती है, यहाँ सिर्फ अंक गणित चलता है। अब जो बिहार का सियासी गणित है वो यह है कि जिसके पास भी 122 एमएलए होंगे वो सरकार बना सकता है। अब जेडीयू और बीजेपी दोनों के मिलकर 123 एमएलए होते हैं, तो यदि
जेडीयू या बीजेपी में कोई टूट नहीं होती है या कोई एमएलए इस्तीफा नहीं देता है तो बहुमत में है अगर जेडीयू बीजेपी के साथ आती है, और साथ ही साथ जो मांझी की पार्टी है उसके भी चार एमएलए हैं, वो भी समर्थन दे रहे हैं। तो 127 एमएलए फिलहाल जो घटनाक्रम दिखाई दे रहा है उसमें एनडीए के पास है, लेकिन खेला कुछ भी हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी मांझी को फोन किया गया है, उसमें कहा गया है कि उनके बेटे संतोष मांझी को डिप्टी सीएम वो बना सकते हैं यदि उधर समर्थन वो दे। लेकिन ये सिर्फ एक अलग तरह का पॉइंट है। दूसरा ये है कि अंक गणित जो है वो अभी भी जेडीयू और बीजेपी के पक्ष में है, चाहे मांझी छोड़कर जाते हैं तब भी। तो अगर आरजेडी को वहां अपनी सरकार बनानी है टूट फूट के बाद भी, तो वो यही हो सकता है कि बीजेपी या जेडीयू के कुछ एमएलए अपना विधायकी से इस्तीफा दे दे, तो जो एमएलए कम होंगे फिर उसके आधार पर ही बहुमत तय होगा। तो उसमें हो सकता है कि एक बार के लिए आरजेडी की सरकार बन जाए, नहीं तो सिवाय सरेंडर करने के आरजेडी के पास और कोई विकल्प फिलहाल नजर नहीं आता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए।